Hi guys, welcome to our new vlog. आज हम आए हैं दिल्ली के डिगिन कैफे में, जो कि है चाणक्यपुरी में. वैसे डिगिन के तीन ब्रांचेस हैं दिल्ली में, right. एक चाणक्यपुरी में, एक सिटी में और एक आलोक रोड, सम लोक रोड. और यहाँ का सबसे बेस्ट है तीनों में से चाणक्यपुरी वाला, जहाँ पे हम आए हैं. Exactly, इसके रेटिंग सबसे अच्छे हैं. दो सेम फूड बट द एम्बियंस इज ब्यूटीफुल. और दूसरी बात यह है कि अभी हमें एक घंटे की वेटिंग मिली है. जो एक घंटा वो कह रहा है, और लोगों के नाम देख के मुझे लग रहा है कि डेढ़ घंटा तो मिनिमम लगना है, पर अब इतनी दूर आए हैं, ऑलमोस्ट हम लोग 20 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं, तो हाँ 20 किलोमीटर ट्रैवल करके हैं, तो खा के तो जाएंगे यहीं पे. वैसे कैफे का सिर्फ फील देखो आप पीछे से, कितना अच्छा लग रहा है. ये ऐसा लग रहा है कि हम कहीं फॉरेन में हम आए हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने, राइट. और तब तक के लिए ना, ये एक मार्केट कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा. यस, इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स जिधर बहुत सारी शॉप्स हैं शॉपिंग के लिए. आइए आपको दिखाते हैं. तो यहाँ पे इस तरह की स्पिरिचुअल वॉरियर कुबेर, बेसिकली सब हैंडीक्राफ्ट और एक्सक्लूसिव चीजों की इधर ये है. नॉर्मल वार्म कपड़े मिल रहे हैं, पश्मीना वगैरह के स्टोल्स वगैरह. इधर बेस्ट बात क्या है कि और कोई भी कैफे नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं है, सिर्फ शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है इधर, बट खाने की जगह नहीं है. इसीलिए मुझे लगता है शायद इतनी हाइप है इधर डिगिन की. क्या बोलते हो? और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और कोई कैफे भी नहीं है, नहीं है, हम खा सकते. जब तक हमारा नंबर आता है, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं या विंटर शॉपिंग कर लेंगे. अगर नहीं तो यार विंटर शॉपिंग करनी तो है नहीं, वेस्ट हो जाती है बॉम्बे में. एवरी ईयर हम आते हैं, बस कुछ 15 दिन कपड़े पहनते हैं और वापस छोड़ जाते हैं यहीं पे. ये क्या संतुष्ट? आई डोंट नो. एनीवेज लेट्स एक्सप्लोर क्या क्या है. और यहाँ पर ज्वेलरी शॉप है मंत्री. ये मुझे अच्छा लग रहा था. इनके पास बहुत टाइप ऑफ कावाज एंड चाय, क्रिसमस टी एंड ऑल भी है. लेट्स चेक दिस. आई थिंक इनके पास लीव्स होंगी, बनी हुई नहीं होगी, राइट? चेक कर लेते हैं. यस, बनी हुई नहीं है, लीव्स की वैरायटी है. ये कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट साइड पर है. आई गेस ज़्यादा कुछ नहीं, दो तीन शॉप्स ही बनी हुई हैं, बट फिर भी एक चक्कर मार के आते हैं. लुक्स गुड और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. इंडिया की तो फील नहीं आती यहाँ के. हाँ, इंडिया की फील नहीं आ रही. लुक्स गुड. एंड विंटर्स में तो इट्स ब्यूटीफुल, द वेदर इज सो नाइस. सो इधर भी शॉपिंग के लिए है. पर इधर और कोई कैफे ही नहीं है क्या? एक ही है. और क्या क्या है यहाँ पर? सो दिस कैफे इज इन चाणक्यपुरी. फाइनली वी गॉट अ टेबल आफ्टर 1 आवर. दे हैव आउटडोर सिटिंग प्लस दे हैव इनडोर सिटिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल कैफे. एज यू कैन सी इधर पूरा क्रिसमस फील आएगा. एंड वी गॉट सच अ ब्यूटीफुल टेबल. Perfect place, na? Perfect place and see the feel, pura Christmas feel aayega. They have decorated so well. Piggy hame side wala bar wala. I swear. We got one of the best tables, na? Hum bahut acha balcony mein upar table mila hai. We are on a patio type aur ye yahan pe niche aise aise. And we are missing Jyotan abhi hai. Wo log bhi aate to unko bhi bahut maza aaya. Humne 1 hour 30 minutes wait kara. यहाँ पर मुझे लगता है एक पिज्जा नहीं. स्पेशल विंटर मेन्यू, दैट्स रियली नाइस. मेरा बहुत मन है स्पेगेटी खाने का यार. लेट्स ट्राई समथिंग फ्रॉम देयर विंटर मेन्यू ऑल्सो. They have pizzas and pastas and sandwiches. So finally, क्या order किया है? Lamb spaghetti and grilled chicken, right? बट कुछ तो अलग ग्रिल चिकन है उसमें, स्पिनच मशरूम वाला ही. बेटर इज द अदर वन विद
मशरूम सॉस एंड समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर, बट लेट्स सी, विल शो यू द फूड जो हमने ऑर्डर करा है. तो फाइनली खाना आ चुका है और मुझसे वेट नहीं हो रहा, बहुत ही स्टीमी हॉट लग रहा है. दिस चिकन, ग्रिल्ड चिकन रोजमेरी विद मैश पोटैटोज एंड मशरूम सॉस एंड सैलेड. दिस इज आवर लैम स्पेगेटी. लेट्स डिग इन इन डिग इन. द फूड इज टू गुड. कैसा लगा? द फूड इज टू गुड एंड द कैफे इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, राइट? इतना हाइप था बट It's very nice. The taste is very good. I love the spaghetti. Even I like it. Especially this chicken. Blessed. Finally, my cappuccino is here. Manpreet को तो इतनी भूख लगी थी ना, बेचारे से वेट ही नहीं हो रहा था. They make pizzas on that oven. जो रोज वो एक्चुअली जो वुड से पिज्जा बनता है, ओवन वुड वाला. दे हैव फ्रेश ब्रेड्स आल्सो एंड देयर इज अ डेजर्ट काउंटर. So what's your name? Yogita. The most cheerful and friendly staff I have ever met. She was so good. We were sitting but we did not got bored. You know, 45 minutes baith ke bore nahi hue because she was continuously talking with us. Always helpful and it was a very nice cafe. We loved it. Thank you. So finally hum digin mein kha chuke hain. Food was very good. The cafe is quite reasonably priced and the staff is very friendly, right? Correct. So please, yeah, it's in Chanakyapuri. Please don't forget to like, subscribe and share our channel. Thank you. Thank you. Bye bye. See you in next video.